ये तो हमने सोसाइटी के लिए बनाया है। डॉक्टर इसलिए बनाया है कि हेल्थ डिसऑर्डर हो, डिजीज हो, उसको ठीक करने के लिए भी सोसाइटी के लिए है। सीए इसलिए बनाया है कि इकोनॉमिक जो है ऑडिट वगैरह अच्छी तरह से करेंगे तो भी उसके रिलेटेड होगा। तो ये सब तो सोसाइटी के लिए बनाया है, सेंस और सोसाइटी है दोनों एक रिलेटिव है। लेकिन 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 अपना जो एम क्या है उसके लिए क्या बनाया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रवचन वचन सुन लेते हैं, शांति हो जाता है, हम सुन लिखा घर पे गए तो लगता है सुने जाइए, तो वो नॉलेज आपके ब्रेन को आया है। ब्रेन का नॉलेज और आप जो रियलाइज होंगे वो नॉलेज दोनों बहुत बहुत डिफरेंस है। ब्रेन का नॉलेज सेंस तक है और वो नॉलेज जो हम है वो यूनिवर्सल नॉलेज है, यूनिवर्सल नॉलेज है और वो भी सेंस के होते हुए ही हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेंस बुरा चीज है, सोसाइटी बनाया बुरा चीज है, नहीं, ये सब बहुत अच्छा है। ये सब हमने इसलिए बनाया कि हम वहां तक पहुंचे जो हम हैं, एक्चुअल जो हम हैं, जीवन हम हैं, रियल हम हैं। तो आज से पहला चीज तो ये कंफर्म करेंगे कि हम हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा हम क्या हैं, और हम क्या क्या कर सकते, क्या क्या मेरे साथ होता है, फिर अपना बचपन ले जाएंगे। जैसा ही बोले ना हम सब 6 महीना साल भर यानी 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर एंड 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर तक में क्या थे, कैसे थे, वो कंडीशन में फिर जाएंगे, एक बार वो कंडीशन में जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे अपने चाइल्डहुड में। इसको बुरा नहीं माने, ये तो बहुत अच्छी, यानी आप रियलाइज हो गए, आप रियलाइज जो हो रहे हैं। ऐसा नहीं समझिए कि ब्रेन का मेरा पावर कुछ डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं, ब्रेन का पावर यूनिवर्सल हो जाएगा। सोचने की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, आपकी रीजनिंग इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी कि फिर आपको लगेगा हम बताने से कुछ नहीं, आप ये शुरू कर दीजिए, हम अपने आप को रियलाइज करके रहेंगे और ये टाइमिंग है, मौका है, नहीं तो फिर आप फिर इतने टाइम बैठ चले जाएंगे, ये गाय फिर आपके पास तो फिर हम लगे कम से कम 10 से ये 25 ईयर तक में जाएंगे, फिर एक मैच्योरिटी आएगी, फिर ऐसा कुछ सुनेंगे, फिर पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो उतना बैक चल जाएंगे। अभी से सोच स्टार्टिंग कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट में गए थे, एक लीडर भी थे वहाँ, वो ऋषि के प्रेजिडेंट क्या थे, उन्हें मेरा तो बाल व्हाइट हो गया, मैंने बोला आपका बाल व्हाइट हो गया, आप व्हाइट नहीं है, आप तो और भी एक्सपीरियंस हो गए, इतना सुनने के लिए ना बैठे हैं। लेकिन यहाँ के इसके कितने हैं, कोई नहीं है। और मैं हम अभी क्लास एक स्टार्ट किए हैं YEP यूथ एक्सीलेंस प्रोग्राम, केवल यूथ के लिए, बहुत सारे कॉलेज हैं। तो यहाँ के तक तो हो सकता है आप सुने भी नहीं, यानी 35 के बाद ही भी सुनेंगे, 35 ईयर्स माइनस चलेंगे, बैक चले जाएंगे अगर अभी से स्टार्ट नहीं किए तो। बाल आपका नहीं पता है, इतना कंफर्म आपको बताते हैं, आपके बाल फिर ब्लैक हो जाएंगे जब आप रियलाइज होने लगे। 1976 में कब ये इमरजेंसी कब लगा, 77 में उठ गया, 76 और 77 ये समय। उस समय इमरजेंसी था, उसी समय आनंद मार्ग एक है, आनंद मार्ग एक है वेस्ट बंगाल में, उस समय और भी पूरे US में है उसका ब्रांच, खोपड़ी कनाडा में है, नहीं खोपड़ी उपड़ी नहीं, खोपड़ी को एक बार गिराए थे वो ये ऑस्ट्रेलिया ने, एक बार जो आप इंडिया में जो केसेस हुआ था वेपन्स जो है वो सब छोड़े, तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं प्रभात रंजन सरकार, बीआर सरकार उसके प्रेसिडेंट थे, जो उसको स्टेब्लिश किए थे ऑर्गेनाइजेशन आनंद मार्गी, तो दोनों उसने दो पार्ट हो गया, दोनों में हमेशा कोलिजन होते रहता था। ये कंडीशन हो गया कि कुछ लोग मर्डर हो गए थे उसमें, तो उसमें जो प्रेसिडेंट थे आनंद मार्गी के उनको पनिशमेंट हुआ और ये हुआ कि उनको फांसी तक जाना था, फांसी की सजा होनी हो गए। तो पिटीशन एक दिए जेल के अंदर से ही कि हमको 1 से 2 महीने का टाइम
एक से दो मन का हम अपने आप को यंग करेंगे फिर से। क्या था उनके बाल भी व्हाइट होने लगा था, स्किन वगैरह सब नीला होने लगा, तो वैसे ही मर रहे थे। बोले कि हम पूरे गर्व ताजे यंग होके फिर फांसी पे जाएंगे तो हमको मेरा जो पनिशमेंट है वो फील होगा, जो हमने गलती किया उसको फील करेंगे हम। तो गवर्नमेंट को लेटर दिए, जो जेल ऑथोरिटी थे फिर वहां से उनका कोर्ट में गया होगा, तो उनको मिल गया परमिशन। डेढ़ या मंथ या दो मंथ के ऊपर टाइमिंग दिया गया और फिर मेडिटेशन करने के लिए एक सीक्रेट प्लेस पे चले गए जेल के अंदर, तो उनको मिल गया परमिशन। एक डेढ़ मंथ को उस कंडीशन में जाने के बाद, एक डेढ़ मंथ के बाद उनका जो व्हाइट बाल था ब्लैक होने लगा, इसकी ढीला हो गया था, एकदम टाइट हो गया, यंगनेस आ गया। हम बोले ना आपको एक एक सेल एक एक टिश्यू अपने आप में बॉडी है, प्योर है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, आपके अंदर भी न्यूक्लियस है, पूरे बॉडी में भी न्यूक्लियस है, यानी हम यहाँ भी हैं और पैर में भी हैं, हम हैंड में भी हैं पैर में भी हैं, तो हम कौन हैं? हम हैंड यहाँ से तो एक टिश्यूज है ना, सेल से टिश्यूज क्रोमोसोम किया गया सेल से, तो हर एक सेल में पूरा के पूरा जो भी आपके बॉडी में एक्शन होता है वो सब एक्शन तो सबके सब सेल में, सबके सब टिश्यूज में होता है, तो सबको रिचार्ज करके और पूरा यंग हो करके फिर जैसे आए 1977 में गवर्नमेंट से चेंज हो गए, जनता दल ने गवर्नमेंट आया वैसे ही हम आपको बताते हैं, अगर आपकी बाल काला हो रही है तो फिर से ब्लैक हो जाएगा और एज आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में हाँ हेयर डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, फिर हेयर डाई के बारे में आप सोचेंगे ही नहीं क्योंकि बड़ी चीज नहीं जाती है, सुपर कॉन्शियस आप हो जाते हैं, एक्सप्लोरेंस सेल्फ टू सुपर कॉन्शियस। आने से पहले हम क्या थे? सुपर कॉन्शियस नहीं थे, एक समुद्र में थे, आए तो एक नदी छोटा सा बॉडी बन गए, फिर जाएंगे तो एक समुद्र में जाएंगे, बोला यूनिवर्स में चले जाते हैं, तो अभी हम छोटा है ना, लेकिन ये रियलाइज करने के लिए बॉडी की नहीं, बॉडी की साधारण नहीं है, बॉडी कोई शब्द पिछले बार में आपको याद है बॉडी क्या है? बॉडी ठीक नेचर तो है लेकिन बॉडी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा, दो मिनट में कितना टाइम हुआ? बॉडी क्या है जरा समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि आज फिजिकल वगैरह करने से कोई फायदा नहीं, सोचे थे प्रो लॉफिंग वगैरह जो है लॉफिंग का, अभी हमने 42 ट्रिक लिए हैं, इससे पहले मेरे पास बहुत सारे ट्रिक थे, अभी 42 ट्रिक हो गया, उस ट्रिक आपको बताएंगे क्या और कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आपको जैसे एलिमेंट्री मेडिटेशन क्या है उससे आपको। तो पहले बॉडी के बारे में हम समझ लें, सबको जानता है कि यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड जो है संसार है, सिंपल वर्ड के लिए संसार यानी यूनिवर्स, यूनिवर्स वर्ड एक ही इमेज से बना है लेकिन फाइव एलिमेंट से बना ये सब कोई जानते हैं, ये ब्रह्मांड अगर कोई जानते हैं तो भी बताइए क्योंकि क्लियर होना चाहिए। फाइव एलिमेंट से यूनिवर्स बना है और फाइव एलिमेंट से ही आपकी बॉडी बनी है, धातु शेवन है, धातु शेवन है, धातु के जो
कंसिस्टेंट